राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई हाँ उन है और उसी में बैठक हुई क्या क्या चर्चा हुई कल राष्ट्रपति चुनाव है उस पे पार्टी के सभी विधायकगण यहाँ पर वोट करेंगे 1 बजे सब माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा कक्ष में मिलेंगे उस तत्पश्चात वोट करेंगे और हमारे जो 3 सांसद हैं वो दिल्ली जाकर वोट करेंगे। मतलब कल यशवंत सिन्हा की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, क्या उन सब विषय पर भी चर्चा हुई और आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? वो तो शिष्टाचार मुलाकात है, द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोगों ने समर्थन व्यक्त किया है, उन्हीं पे वोट होगा। अरूप चटर्जी की अरेस्टिंग हुई है, क्या सुप्रियो का मानते कि चौथे स्तंभ पे हमला? नहीं, ये तो अभी हम लोगों को सुबह मालूम चला है, सारी चीजों का विवेचना किया जा रहा है और उसके बाद में हम लोग भी उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं, परिस्थितियाँ क्या है नहीं है सारे कुछ का विवेचना के बाद ही आधिकारिक तौर पर हम लोग बोलेंगे। हमारा गठबंधन नहीं टूटने वाला चले। तो आपने सुना किस तरह के तमाम विधायकों ने एक के बाद एक एक लाइन को पकड़ा और ये कहा कि कल जो राष्ट्रपति चुनाव होना है उससे लेकर के तमाम विधायकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जो 3 जो सांसद हैं वो आज शाम को ही दिल्ली रवाना हो जाएंगे और कल संसद भवन में जाकर के वोटिंग करेंगे। तो ये कल के इलेक्शन के मद्देनज़र, वोटिंग के मद्देनज़र आज दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतर किसी भी विधायक ने कुछ और भी बोलने को से गुरेज किया, लेकिन एक बात तो बिल्कुल अहम है कि कल जिस तरह से कांग्रेस को राष्ट्रपति उम्मीदवार यूँ कहें कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने यूँ कहें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की और जेएमएम के नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद कहीं कहीं से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये मात्र शिष्टाचार भेंट है, इस मुलाकात को किसी और एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि जिस दिन यशवंत सिन्हा को रांची आना था उसे 1 दिन कबल ही जेएमएम ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में उनके तमाम विधायक और सांसद वोट करेंगे, लिहाजा यशवंत सिन्हा ने ये कटसी के तौर पर मुलाकात की है, लिहाजा उसे उसी रूप में देखने की जरूरत है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने इस बात पर खुले तौर पर एतराज नहीं जताया है कि उनके सहयोगी दल के होने के बावजूद भी वो एनडीए के प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस की इस बात को कहीं ना कहीं तकलीफ और परेशानी जरूर है कि राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो ने उसे अलग कहीं ना स्टैंड लिया है, इससे कहीं ना कहीं गठबंधन पर हो सकता है कि प्रभाव पड़े। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज बायस्कोप के लिए शहनवाज। किंग्स ऑर्गेनिक टोमेटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों की समृद्धि के साथ रखती है लोगों की सेहत का भी ख्याल, तभी तो कोपल कहता है आप रखें किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक केचप, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो।